Moving on to our next model, that is the plasma membrane. Hello dear students, today in this lecture series we are going to discuss about the most famous and well accepted model of the plasma membrane, that is the fluid mosaic model. It is widely accepted. Okay, so listen be carefully. Before this lecture I want to tell you that we have already discussed two models of the plasma membrane. That is the unit membrane model, also known as the Robertson model, and the second one is the Daniel Anderson model. Okay, today we have to discuss about the fluid mosaic model. If we look on the structure of the plasma membrane, whereas many models were explained it, but this one is mostly widely accepted. It was proposed by Singer and Nicholson in 1972. These are the two scientists. One is known as Singer and Nicholson. It is accepted model, as we have already described it. It is, as per the model, इस model के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो plasma membrane जो है वो क्या होते हैं, वो बने होते हैं, वो फॉर्मेट होते हैं किससे, इस तरह से बने होते हैं कि सी ऑफ लिपिड में एक प्रोटीन तैर रही है बस. फ्लूड सिंगर एंड निकोलसन को लगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरीके से बना है, उसने बोला कि ये ऐसा है कि एक सी ऑफ लिपिड्स है, लिपिड का एक सी है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं. ठीक है, तो बाद में देखा तो बिल्कुल ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड हो गया. ठीक है, बहुत सारे रीजंस भी है इसको एक्सेप्ट करने के. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो, उसने ये भी बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डेफिनेटली ये लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, और इसने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ट्राइलेमिनर होते हैं. ट्राइलेमिनर मीन्स ये तीन लेयर के होते हैं. ओके, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट. अब देखो, इसने प्रोटीन आइस बाग इन सी ऑफ लिपिड बोला, तो उसके हिसाब से ये क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड जो है टू टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं. यानी ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ से फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन जो है यहाँ से भी पार्शली एम्बेड है, बहुत सारे पूरी तरह से कम्प्लीटली एम्बेडेड है. ठीक है, और बहुत सारे ग्लाइकोलोजन भी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत सारे प्रेजेंट है. ठीक है, इन बिटवीन द इन द सी ऑफ द लिपिड, इन द सी ऑफ द लिपिड्स. ओके, फॉस्फोलिपिड यानी ये वाला पार्ट, फॉस्फोलिपिड जो है क्या करते हैं, शो टू टाइप ऑफ मोमेंट, यानी ये दो तरह का मोमेंट शो करते हैं. एंड वन मोमेंट इज नोन एज द ट्रांजिशन मोमेंट, एक मोमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मोमेंट. ठीक है, दूसरे को हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मोमेंट. तो दो तरह का मोमेंट शो किया फॉस्फोलिपिड ने, तो एक है ट्रांजिशन, दूसरा है फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, उसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स को देखेंगे, ये प्रोटीन हमने बोला कि ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन को भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर दो तरह का प्रोटीन है, एक एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन. ओके, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, ये वो सारे प्रोटीन होते हैं जो बाहर से या इनसाइड से प्रेजेंट होते हैं, लेयर के बाहर या इनसाइड से प्रेजेंट होगा, उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे कि इसमें ये वाला पार्ट जो है पेरिफेरल प्रोटीन है. ठीक है, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन, या इट इज आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो उसके अलावा कुछ प्रोटीन अगर इस साइड से भी प्रेजेंट होगा तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ओके, उसके अलावा देखो, यहाँ पर दूसरा है इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, वो प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड लेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, पूरी तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, पूरी तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, इसको हम
दूसरा नाम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये कैरियर प्रोटीन दे, ये वाला चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन ये वाला, दूसरा वाला कैरियर प्रोटीन, ये दोनों क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ओके, तो उसके अलावा देखो फॉस्फोलिपिड इज अ पॉलर मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड क्या है, पॉलर मॉलिक्यूल। पॉलर मॉलिक्यूल मीन्स विथ हैविंग हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। यानी इसको अगर हम देखेंगे तो इसका यानी ये हेड वाला ब्लू कलर वाला जो गोल वाला है वो क्या है, वो है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लाइकिंग एंड। ठीक है, तो इसकी यानी टेल वाले ये रस्सी वाला टाइप अगर देखेंगे इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक टेल, टेल बोलेंगे। ठीक है, यानी वाटर डिसलाइकिंग टेल, वाटर डिसलाइकिंग टेल। ठीक है, तो इस तरह से ये एक फॉस्फोलिपिड हो गया, ये दूसरा लिपिड हो गया, तो ये दो लेयर बन गया। फॉस्फोलिपिड लेयर जो है ना वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, यानी ये पोलैरिटी शो करते हैं, पोलैरिटी शो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। फॉस्फोलिपिड एम्फीफैटिक होता है, एम्फीफैटिक इसलिए होता है क्योंकि ये जो है इसमें पोलैरिटी है, इसलिए ये एम्फीफैटिक इन नेचर शो करे, वाटर लाइकिंग वाटर डिसलाइकिंग दोनों शो करेगा। ठीक है, देखो बाहर वाले साइड से या पूरी इन साइड साइटोप्लाज्म वाले साइड से अगर देखेंगे तो वाटर इसके टच में आते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन साइड में अगर जाएंगे तो ये वाटर रेटिंग है, वहाँ से वाटर पास आसानी के साथ नहीं हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वाटर हीटिंग वाले बैठे हैं टेल से। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड इज ए एम्फीफैटिक इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट जो है वहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर या तो ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं या तो ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, मीन्स ये या तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा होगा या तो कार्बोहाइड्रेट जो है किसी प्रोटीन के साथ जुड़कर होगा, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो उसके अलावा देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं इसमें बहुत सारे का कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे ये येल्लो वाला कलर वाला है, ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल, ये क्या है असल में एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोजिशन, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे अपने सा बेस पर अपने यहाँ पर फंक्शन रोल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्वासी फ्लूइड इन नेचर होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। अगर आपको क्वेश्चन आया कि ये किसने प्रपोज किया, सिंगर इन निकॉलसन, एक्सेप्टेड मॉडल है, ट्राइलेमिनर है, लिपिड प्रोटीन दोनों के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। प्रोटीन जो है दो तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन, या हम बोलो पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, तो पोलैरिटी शो करते हैं, एम्फीफैटिक इन नेचर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं इन द टू फॉर्म, आइदर ग्लाइकोलिपिड और इन ग्लाइकोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।